नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। देश भर के ज्यादातर इलाकों में अब गर्मी का सितम दिखने लगा है। कई जगह तो लू के थेपड़ों ने हालत और खराब कर दी है। अब तक लू के हालत नॉर्थ एपमी, दक्षिणी यूपी, झारखंड में देखे गए हैं। आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सोनरॉय के मुताबिक हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि कुछ जगहों पर आज से ही तापमान में गिरावट आने लगेगी। आज दक्षिणी यूपी, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली नॉर्थ एमपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में लू चलेगी। वहीं कल से भी झारखंड में लू के हालत रहेंगे। कल से नॉर्थ इंडिया में तापमान में गिरावट आने लगेगी। दिल्ली एनसीआर में आज लू की आशंका जताई गई है, जबकि कल से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। साथ ही बारिश के आसार है। कल से कुछ जगहों पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। नॉर्थ इंडिया, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फिर ईस्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से लेकर अगले 5 दिनों तक पूरे भारत में तापमान घटता दिखेगा तो लू की स्थिति निकलने की संभावना है। गर्म हवाओं की वजह से आज लू की संभावना है। उच्च तापमान के साथ जब तेज हवा चलेगी तब लू के हालात बन जाएंगे, जो कि काफी खराब स्थिति होती है। इसी दौरान काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर नॉर्थ इंडिया में आज भी लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।